Allah, Rabbul Alameen. Oof. दानी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हैं? तुम जाके सो जाओ ना। तुम्हारा सर तो नहीं दुख रहा? नहीं भाई नहीं। जाओ सो जाओ ना, जाओ। अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, क्या बनेगा? अल्लाह, दानी, क्या बात है, क्या नींद नहीं आ रही? नींद आ रही होती तो मैं सुबह के 2:30 बजे खुदा को याद कर रहा होता। तुम्हें क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें कुछ पता नहीं, बेडरूम का टेम्परेचर 12 डिग्रीज है, जुलाई की 23 है, बाहर हीट वेव चल रही है और मुझे यूं लग रहा कि मैं वहां बेडरूम में नहीं लेटा हूं, मैं कहीं कुतुब शुमाली पहुंच गया हूं। तो मैं ऐसा करती हूँ, एसी बंद कर देती हूँ। मैं तो फिर सांस किस तरह लूंगा, बाहर 89 डिग्रीज, अंदर 12 डिग्रीज, मेरी तो बाहर और अंदर दोनों तरफ से मौत है। दानी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 1 घंटे के वास्ते एसी बंद कर देती हूँ, जब गर्मी लगेगी फिर दोबारा चला लेंगे एसी। हर घंटे बाद? यानी एसी खोलने और बंद करने के दरमियान सिर्फ 8 मिनट की नींद नसीब होगी। दानी मैं उठ जाया करूंगी, मैं उसको खोल दिया करूंगी, मैं बंद कर दिया करूंगी, बस। मानो मैंने तुमको कितनी मर्तबा कहा है कि तुम उस कंपनी को फोन करके बताओ कि हमारा ऐसी काम नहीं कर रहा है, वो आके ठीक क्यों नहीं करते? तानी मैंने फोन किया था, उनका आदमी भी आया था, उसने एसी खोला, चेक किया, वो कहता जी कोई खराबी नहीं। क्या बात करती हो तुम? अरे मैंने उसको लो पर लगाया हुआ है और कमरा यख हो रहा। तो बताओ दानी फिर मैं क्या करूं? तुम कहते मैं बंद कर देती हूँ, तुम कहते मैं खुला रहती हूँ, तुम जैसे कहो मैं वैसे ही कर देती हूँ। मानो जाओ, तुम खुदा के लिए सो जाओ। तानी तुम ऐसे टेंस रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी, बताओ? भाई मैं टेंस नहीं हूं, मैं यक हो रहा हूं। दानी तुम टेंस हो मेरी जान, तुम तमाम हफ्ता टेंस रहे हो। अच्छा देखो, अगर तुम्हारा यहां सोने को जी करता है ना तो मैं यहां बिस्तर कर देती हूँ तुम्हारा, ठीक है? अरे यहां चैन से बैठा तो जाता नहीं, यहां बिस्तर कर देती हूँ। अरे तुम ये फजूल कुशन क्यों रख देती हो? यहां हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं फर्नीचर के ऊपर और आदमी चेयर से बैठ नहीं सकता, क्या मुसीबत? अच्छा मैं उठाती हूँ कुशन्स। बानो मैं कह रहा हूँ कि तुम जाओ, जाकर के सो जाओ। सो जाऊंगी, सो जाऊंगी। भाई बाद में आकर सो जाऊंगा। देखो मुझे पता है कि कुशन्स और एयर कंडीशनर तुम्हें एक बहाना है, बात कुछ और है दानी। देखो जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है प्लीज मुझे बता दो, क्या परेशानी? कह तो रहा हूं कुछ नहीं है, बस थकन सी। देखो दानी अब नींद तो खुली चुकी है, तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चीज तंग कर रही है, तुम्हें क्या चीज परेशान कर? मुझे कुछ पता नहीं है क्या चीज है, या फिर हर चीज है। ये फ्लैट, ये बिल्डिंग, ये शहर, ये सब कुछ मुझे काटने को दौड़ रहा है। ये सुना? ये सुना? स-
सुबह के 2:30 बज रहे हैं और एक कार ड्राइव करके क्लिफ्टन हाइट्स में दाखिल होती दिखाई दे रही है और उसकी आवाज यहां सुनाई दे रही है, यहां 14th फ्लोर। मैं समझता था यहां आराम होगा, सुकून होगा, यहां तो सड़क का शोर सड़क से ज्यादा साफ सुनाई देता। मगर दानी हमें यहां रहते हुए पूरे 6 साल हो गए, पहले तो कभी तुम्हें इन चीजों ने परेशान नहीं किया। शायद इसलिए कि अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए आवाज और शोर के मामले में मैं हसास हो गया हूं। देखा, मैंने 10 सेकंड के लिए दरवाजा खोला और मेरे सारे कपड़े धूल में अटके। मैं धूला वजोड़ा निकाल देती हूँ अभी, जस्ट रिलैक्स दानी प्लीज, मैं अभी धूला वजोड़ा तुम्हें निकाल। सुबह के 2:30 बज रहे हैं और ये 7 वाले। अरे क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे सुनोगी तो सुनाई देगा। ये हो रहा है, ये come on baby, I will give you my love, I will give you my love, I will give you my love। ये सुनाई दिया? नहीं, इसलिए कि जब तुम चीख चीख के गाओगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगी गाना। ये वही दो एयर होस्टेसेस हैं, हर रात का यही किस्सा है, हर रात पार्टी चलती रहती है। अगर इस वक्त कोई बोइंग इस वक्त फजा में परवाज कर रहा होगा तो मुझे यकीन है तो उसके मुसाफिर अपने खाना किचन से निकाल के खा रहे हैं, क्योंकि ये दो बंदियां तो ना फ्लैट से निकलने का नाम ही नहीं देती। तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? सुनो, सुनाई दिया? सुनाई दे रहा है, लेकिन दानी तुमसे किसने कहा है कि तुम दीवार के साथ कान लगा के सो, तुम आराम से अपने बेडरूम में सोया करो। बात करो, ये शो बात करो। दानी खुदा का वास्ता बज रहा है, लोग सुनो। दानी फॉर गॉड सेक, दीवार पीटने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे अपने हाथ दुख जाएंगे। बानो खुदा का वास्ता है, तुम जाओ और जाकर के सो जाओ। दानी देखो, तुम्हें गुस्से के दौरे पड़े, मैं जाके सो जाऊं कैसे? अरे मुझे गुस्से के कोई दौरे नहीं पड़ रहे। मैं टेंस हूं। दानी तुम ऐसा करो कि तुम एक ट्रैंक्विलाइजर ले लो। ले चुका हूं। तो फिर एक एक और ले लो। अरे एक और भी ले चुका हूं। दो ट्रैंक्विलाइजर्स लिए हैं तुमने, तो देखो दानी फिर तो असर डेफिनेटली लाजमी होगा। सर उनका असर खत्म हो चुका है। ट्रैंक्विलाइजर आदमी किस लिए लेता है? ताकि आसाब को सुकून नसीब हो। तुम देख रही हो मेरे आसाब किस तरह खिंचे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि गोलियों में कुछ होता नहीं है, ऊपर से वैन ट्रैंक्विलाइजर लिख के लगाने के 200 रुपए लेते हैं। अरे कभी फ्लाइट लेके भी चली जाया करो बदमाश्तो, कभी लंदन न्यूयॉर्क और पेरिस में भी किसी की नींद हराम करो। दानी खुदा के तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है। दानी लिसन टू मी प्लीज। अरे हम जी किस तरह रहे हैं, हम यहाँ हजारों रुपए इस घटिया फ्लाइट पर किस बात का खर्च कर रहे हैं जब यहाँ सुकून नाम की कोई चीज नहीं। दानी ओ दानी देखो तुम बीमार हो जाओगे। दानी ओ दानी तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया है। तो मैं कोई शौक से तुम्हारा बिस्तर छूट के यहां पर नहीं आ गया था।
کی سراند تو اب یہ لوگ اس بلا کی گرمی میں یہ کوڑا باہر کیوں پھینک دیتے ہیں یہ ان جنک فوڈ کی دکانوں کے کوڑے ہیں جو سڑک پر پھینک دیتے ہیں اور کوڑا گاڑی اس لیے اٹھانے نہیں آتی کہ ان کو وہ پتہ نہیں دیتے ہر رات ہزارہ کی تعداد میں آ کے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں تاکہ دوسرے بھوکے مریں جاؤ جاؤ بھو سونکو نہیں مجھے بھو آ رہی جاؤ بھو سونکو چلو بھو یہاں سے کہاں سے آئے گی بھو کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے تب پتا چلتا ہے بھو ہوتی کیا ہے بہت ہی گندی بو ہے تو لیکن یہ بو یہاں سے آ رہی ہے وہاں سے نہیں آ رہی دانی اپنے ہی کوڑے کے نیچے دفن ہوتا جا رہا ہے یہ ہر روز اونچا اونچا اور اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے اور تم دیکھ لینا کہ آخر میں یہ سب کچھ سارا کوڑے کا ڈھیر ہو جائے گا تو دانی مجھے یہ بتاؤ کہ پھر لوگ کوڑے کا کیا کریں کیا وہ اپنے گھر میں جمع رکھیں گرمیوں میں تاکہ سردیاں ہیں تو پھر اس کو باہر اٹھا کے پھینکیں پھر کوڑا پھینکنے کے لیے ہوتا ہے دانی ورنہ کوڑا کیا ہوا بانو میں تم سے بات نہیں کر سکتا تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے دانی آئی ایم ہیومن تمہاری طرح میں انسان ہوں دانی مجھے سردی لگتی ہے گرمی لگتی ہے شور سنائی دیتا ہے بدبو آتی ہے اب ان سب چیزوں کے ساتھ رہنا ہے تو رہو ورنہ مت رہو اگر انسان ہو تو تم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ بلکہ ہاتھ اٹھاؤ میں تو اس سران کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اگر یہ کتا بھونکے گا تو میں اس پر چلاؤں گا دانی دانی پلیز چپ ہو جاؤ خدا کے لیے دانی چپ پلیز اب تم ساری رات اگر کتے کے اوپر چلاتے رہے تو میں کیسے سو پاؤں سارے رات ہی اگر یہ کتا بھونکتا رہا تو تم سو جاؤ گی نیند آ جائے گی تمہیں چپ چلاؤ اپنے کتے کو یہاں انسان سو رہے ہیں یہاں بچے سو رہے ہیں تم میرے اوپر سے کیوں چلا رہے ہو اگر اتنی تکلیف ہے تو جاؤ نیچے جاؤ مل کر کے اس کتے کے ساتھ بھونکو اچھے لگو گے دانی پلیز چپ ہو جاؤ خدا کے لیے دانی چپ ہو جاؤ آئی بیگ آف یو چپ ہو جاؤ دانی پلیز چپ ہو جاؤ وہ خبردار تو مجھے تم نے چپ ہونے کو کہا پتہ نہیں تمہارے پر کیا سوار ہو گیا لیکن میں دوسروں کا غصہ تمہیں اپنے اوپر اتار نہیں دوں گی دانی سونے جا رہی ہوں بانو بانو رک جاؤ بانو رک جاؤ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ یہاں ہو یہاں میرے ساتھ بیٹھو یہاں ہو مجھے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے میرا دماغ شل ہو رہا ہے برا تمہیں کیا ہو گیا میں کھو گیا ہوں مانو میں تلاش کر رہا ہوں اپنے آپ کو نہیں دانی کیا تم کافی عرصے سے سوئے نہیں ہو ٹھیک سے صرف بات اتنی ہے مجھے آدھے وقت پتا نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں میں یہاں سے تین تلوار تک جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی اور ملک میں آ گیا جیسے میں اپنے ملک میں نہیں ہوں میں سمجھتی ہوں میں جانتی ہوں تمہاری فیلنگز نہیں بابا تم نہیں جانتی میری گرفت ختم ہوتی جا رہی ہے روز مرہ کے کام مجھ سے نہیں ہوتے میرے دفتر کی میز پر گھنٹی ٹیلی فون کی
سات مرتبہ آٹھ مرتبہ بجتی تب جب میرے کانوں کو خبر ہوتی. آج صبح کو میں واٹر کولر سے پانی کے لینے کے لیے گیا تو پانی گر گر کے میرے جوتوں پہ بہ رہا تھا اور میں گلاس ہاتھ میں لیے جانے کہاں گم تھا. یہ صرف تمہارا پرابلم نہیں ہے, یہ سب کا پرابلم ہے. ہم دانی ہم ایسا نہ کریں کہ ہم ہفتے دو ہفتے کے لیے کہیں باہر چلے جائیں. یہ کیکٹس کا پودا بھی یہاں دم توڑ رہا ہے. دنیا کا سب سے سخت جان پودا جسے صرف دو مرتبہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے سال میں. جس شہر میں کیکٹس زندہ نہیں رہ سکتا اس میں انسان کیسے زندہ رہ سکتے. انسان جو ٹینکر سے پانی خرید کے پیتا ہے, جو جس نے انسان جس نے پانی کو تجارت بنا دیا ہے. اور تم دیکھ لینا ایک روز ایسا آئے گا پانی وہ خوفناک دن جب میت کو غسل دینے کے لیے بھی یہاں پانی نہیں. اچھا بتاؤ پھر کیا صلاح ہے؟ ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے دفتر سے دو ہفتے کے لیے چھٹی لے لو اور ہم کہیں باہر چلے جاتے. چھٹی تو لے لوں گا, میرا ڈر ہے کہ کہیں ہمیشہ کے لیے چھٹی نہ ہو جائے. کیوں؟ کمپنی تمہاری ابھی تک ٹھیک ٹھاک چل رہی تو پھر کیا پریشانی ہے؟ اب کوئی بندہ دیر سے نہیں آتا دفتر, سب وقت پر پہنچتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا رہتا ہے کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچے تو ان کی میز آکشن ہال میں پہنچ جائے گی. اچھا تو تم نوکری کی وجہ سے پریشان؟ دیکھو دانی, رسک دینے والا اللہ ہے. ایک دروازہ بند ہوتا ہے دس دروازے کھل جاتے ہیں. تمہیں کہیں اور نوکری مل جائے گی. کہاں سے مل جائے گی نوکری؟ میری عمر کی آدھی آدھی عمر کے دو لڑکے ان کو اسی تنخواہ پہ مل جائیں گے. اچھا چلو مان لیا کہ تمہاری نوکری چھوٹ جاتی, ٹھیک ہے نا, تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے. اپنا ملک چھوڑ کے؟ دانی بنانے والے نے صرف ایک یہی ملک تھوڑی بنایا, پوری دنیا بنائی ہے اس نے. تو ہم انگلینڈ جا سکتے ہیں. انگلینڈ؟ وہاں ان کو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے, ہمیں کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کے ملک میں ہمارے ملک سے زیادہ بے روزگاری ہے. تو ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے. نہیں, کہاں چلے جائیں گے, کون سا ملک ہے جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ لیبیا, بیروت, ایران, عراق, راشن کے کھانے, بے روزگاری کے اڈے. وہاں صرف ایک کام رہ گیا ہے لوگوں کے پاس, کرسیوں کی مرمت. کیونکہ سارا دن کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. دیکھو دانی میری بات سنو, تم جہاں جس ملک کا نام لو گے نا یا جہاں بھی کہو گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. میں جنگل میں رہ لوں گی, درخت پہ سو لوں گی, میں کٹیا میں لیٹ رہوں گی, صحرا میں, سب جگہ. تم جہاں کہو گے دانی میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. ٹھیک ہے, کل پھر ایسا کرتے ہیں کہ کسی ٹریول ایجنسی سے چٹاگونگ کی دو ٹکٹیں بنوا لیتے ہیں. وہاں سے رانگا مٹی بہت قریب ہے اور سنا ہے کہ وہاں آج بھی انسان بے لباس پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی پتے باندھ کے پھریں گے. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بالکل باولی ہو چکی ہوں. یہ سب کچھ تو میں تمہاری خوشی کی خاطر کہہ رہی, میں تو کسی چیز کی ذمہ دار نہیں.
میں نے تمہیں اس حال پہ تو نہیں پہنچایا. تو میں نے تم سے کب کہا بانو کہ تم نے مجھے اس حال میں پہنچایا؟ پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو دانی؟ یا کسی سے بھی تم کیا چاہتے ہو؟ فقط ایک لمحہ سانس لینے کی مہلت. یہ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ دفتر سے تو نہیں ہو سکتا. رات کے پونے تین بجے دفتر تو بند ہوگا. ہو سکتا ہے چوکی دار کی ڈیوٹی لگا دی ہو, فون پر بتا دو کہ چھٹی ہو گئی ہے, ایک دن کی تنخواہ بچ جائے گی نا ان کی. دانی دانی پلیز جا کے فون سن لو, میں الجھن ہو رہی خدا کے لیے. ہیلو جی جی ہاں جی ہاں, یہ 16A ہے. کیا ہے؟ میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے؟ اچھا اچھا, پہلے آپ یہ بتائیے کہ ہماری نیند کس نے خراب کی؟ اور جا جاؤ, میری مرضی ہے جتنا اونچا بولوں, میرا فلیٹ ہے. ہاں کیا؟ اچھا اچھا, تم دیوار پیٹو گی؟ پیٹو, جاؤ جاؤ پیٹو. تم جتنی بار پیٹو گی ہم اتنی بار پیٹیں گے. آنو جب یہ دیوار پیٹے تم بھی پیٹو. چپ ہو جاؤ خدا کے لیے, بس دانی پلیز دیوار جا کر کے پیٹو. دانی جھگڑا کرنے کا یہ وقت نہیں ہے خدا, جا کے دیوار پیٹو. اچھا پیٹو. اب مزہ آیا؟ اور پیٹو اور پیٹو, پیٹتی جاؤ پیٹتی جاؤ, رکو نا پیٹتی جاؤ. ہاں جی میں میں مسز دانش جی. ہاں جی دیکھیے میرے گھر ڈاکہ پڑ گیا ہے جی جی جی. ابھی جیسے میں گھر میں داخل ہوئی تو جی جیسے میں داخل ہوئی دیکھو وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے. جی ہاں جی, دروازہ جی کھلا ہوا تھا دروازہ جی, وہ چند منٹ پہلے ہی نکل کے گئے ہوں گے جی جی. اگر میں چند منٹ پہلے آتی ہو آ جاتی تو میری تو یہاں لاش پڑی ہوتی. آپ کمال کی باتیں کرتے جی. دیکھیے مجھے ٹھیک سے پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ لے کے گئے ہیں, ٹی وی, وی سی آر, ریکارڈ پلیئر, کتابیں, کپڑے. میرے شوہر کی تو الماری پوری خالی کر دی سی جی. فلیٹ 16A جی. دیکھیے پلیز آپ ذرا جلدی کسی کو یہاں بھیج دیجیے جی. نہیں جی میں بالکل اکیلی ہوں یہاں پر جی. نہیں میرے شوہر ابھی نہیں لوٹے ہیں دفتر سے, میں آپ کو بتا تو نہیں ہوں کہ ابھی وہ نہیں لوٹے ہیں دفتر سے جی. دیکھیے بس جی میری جان بچ گئی اس لیے کہ میں یہاں پر موجود نہیں تھی, ورنہ تو ٹریکولائزر. ہاں
मुझे ट्रैंक्विलाइजर लेना चाहिए। तुम आ गए? बानो, क्या बात? सफाई वाली नहीं आया आज? आज जुमा है, वो जुमे को नहीं आती। तो ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? ये तमाम चीजें इस तरह से दिखने में क्यों? चोरी हो गई। चोरी हो गई है? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? चोरी समझ में नहीं आता? चोर घर में आते हैं, घुस जाते हैं घर में, चीजें उठा के ले जाते हैं, घर लूट गया है मेरा। ओहो भाई, मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा था, ये सब कैसे हुआ? क्या कह ले? पता नहीं, मैं तो 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी, जब वापस आई हूं तो ये नक्शा पाया मैंने। तुम 5 मिनट के लिए तो नीचे नहीं गई होगी? ये सब कुछ 5 मिनट का काम तो नहीं है। मैं बक रही हूं, बकवास कर रही हूं। मैं कह रही हूँ, मैं 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। इसका मतलब है कराची में जितने चोर उचक्के लुच्चे लपाड़े बसते हैं, वो सब के सब इकट्ठे यहाँ आ गए होंगे। कोई भी हो, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 5 मिनट के वास्ते नीचे गई थी। एक बात बताओ, तुम जब बिल्डिंग में वापिस आई हो तो तुम्हें कोई मशकूक या मुश्तबा आदमी तो नजर नहीं आया? मुझे तो इस बिल्डिंग का हर आदमी मशकूक नजर आता है। ओहो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने किसी को गठरियां, डब्बे या कोई इस किस्म की चीजें उठा करके ले जाते हुए तो नहीं देखा? मैंने गौर नहीं किया। गौर नहीं किया का क्या मतलब है? अब इस बिल्डिंग से जो भी आदमी नीचे जाए या नीचे उतरे तो मैं उसको ये देखूं कि वो डिब्बा जो लेके जा रहा है हमारा कलर टीवी तो नहीं लेके जा रहा? क्या वो कलर टेलीविजन भी चला गया? ब्राइट 25 इंचेस का कलर टेलीविजन? यानी खुदा के लिए देखो, प्लीज मुझसे बहस मत करो, मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी, मेरा घर लूट गया है। अरे अरे, तो मैं यहाँ क्या हूँ? किरायादार हूँ। तुम्हारा घर लूटा है तो मेरा भी घर लूटा है। मेरे को प्लीज खुदा के लिए चीखो चिल्लाओ मत, अगर तुम अपसेट हो तो मैं भी बहुत अपसेट हूँ, मत चीखो मेरे ऊपर। मैं ऐसे करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं एक ट्रैंक्विलाइजर लाता हूँ, ठीक है? नहीं, मैंने नहीं खा ली। नहीं, गोली खा लो ना। मैं नहीं खाऊंगी, कह दिया। ये एकदम से तुम्हें जिद क्यों हो जाती है? जिद नहीं है, ट्रैंक्विलाइजर भी ले गए वो। ट्रैंक्विलाइजर भी ले गए? ओ गॉड इन हेवन, दवाओं की पूरी पूरी कैबिनेट खाली कर गए। डिस्प्रिंस, एस्प्रिंस, माउथ वॉश, हेयर स्प्रे, रेजर्स, ब्लेड, हेयर स्प्रे, सब चीजें ले गए। सिर्फ एक तुम्हारा टूथब्रश छोड़ गए। मैं नहीं मानता कि चोर ये करेगा। Thank you.
उन्हें मौत आ जाए। वो जिस चोरी की गाड़ी में बैठ के गए वो किसी पुल से टकरा जाए, उसमें आग लग जाए, सब चल के मर जाए। तुम रोज अखबार में पढ़ते थे और भूल जाते थे, आज तुम्हारे साथ हुआ तो एहसास हुआ तुम्हें? ना, वीसीआर, टेलीविजन, हाई फाइव, इसकी हद तक तो मैं मानता हूं कि चलो ठीक। ये रेजर ब्लेड, टूथपेस्ट, हेयर स्प्रे, हेयर क्रीम, और इनके कितने पैसे मिल जाएंगे? बहुत ही बेसब्रे लोग होंगे, जितना कुछ उठ सकता था सभी कुछ उठा के ले गए। पूरे 120 रुपए मैंने घर के खर्चे में से बचा के रखे, वो तक ले गए। वो कहाँ रखे थे? किताब में रखे थे। ये रखने की जगह थी? क्या बात करते हो तुम? तुमने कभी सुना कि कोई माउथ वॉश और हेयर स्प्रे चुरा के लेके जा रहा हो? ये वो लोग करते हैं जो ज़हनी मरीज होते हैं, और आज दुनिया में सिर्फ ज़हनी मरीज जिंदा है बस। कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे तुम जिंदा सलामत हो, ये कम है, है? यही बहुत है हमारे लिए, है? अगर मैं 5 मिनट पहले आ जाती तो मैं क्या करती? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बानो के तुम इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। नहीं, तुम मान लो कि अगर मैं 5 मिनट पहले आती तो मैं क्या करती? मगर तुम उस वक्त यहाँ थी तो नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है इसे? मैं कह तो रही हूँ कि तुम फर्ज करो कि अगर मैं आ जाती तो फिर क्या होता। तो तुम इस किस्म के फजूल सवाल क्यों कर रही हो? अरे भाई तुम, ऐसा हुआ तो नहीं ना? 5 मिनट पहले मैं आ जाती तो ऐसा हो चुका होता। मैं नहीं मानता कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये सारा सामान उठा करके यहाँ लाने के लिए हमें 5 मजदूर इंगेज करने पड़े थे। मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ वो 5 मिनट के अंदर समेट के देख रहे? 7 मिनट लगे होंगे, 8 मिनट लग गए होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? दरवाजे का लॉक भी ठीक है, वो आए कैसे, कहां से, वो घुसे कैसे यहां? कहीं सड़क पे से चाबी मिल गई होगी। क्या बात कर रही हो, चाबी मिल गई हो? अरे चाबी तुम्हारे पास नहीं थी? वो गुम हो गई थी। पहले तो मैं समझी कि यही कहीं घर में गिर गई है, फिर ख्याल आया कि शायद सड़क पे कहीं गिर गई। जब तुम्हारे पास चाबी नहीं थी तो तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि तुम बिल्डिंग में वापस कैसे आओगी? दरवाजा मैं खुला छोड़ गई। दरवाजा खुला छोड़ गई तो फिर और मैं क्या करती? चाबी मेरे पास नहीं थी, मैं घर में वापस कैसे आती अंदर? इसलिए तुम दरवाजा खुला छोड़ गई। एक ऐसे शहर में जहां जरायम का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है वहां तुम दरवाजा खुला छोड़ दो। तानी तो फिर और मैं क्या करती? सारा फर्नीचर उठा के अपने साथ लेके जाती, बताओ। अब मुझे क्या पता था उसके वो मैं जाऊंगी सिर्फ 5 मिनट के वास्ते और वो लोग फौरन आ जाएंगे यहाँ पे। उन्हें खबर होती, उन्हें पता होता। मुझे नहीं पता था कि मैं 5 मिनट के वास्ते जाऊंगी और वो फौरन आ जाएंगे। ठीक, मैंने एक जुआ खेला था, हार गई। अरे ये कैसा जुआ था बाकी? अरे ये कैसा जुआ था जो तुम हार गई और वो सब उठा के ले गए? दानी वो शॉपिंग भी तो करनी थी ना, इसलिए कि रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। तुमने स्टोर वाले को फोन करके ऊपर क्यों नहीं मंगवा लिया? अगर पहले भी तो वो लड़का ऊपर पहुंचा के जाया करता था। अब मैं सस्ते वाले स्टोर से खरीदती, वो नहीं ऊपर पहुंचा के जाता है। उस रात तुम्हारी बातों से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने सोचा कि
अब मैं हर चीज में जो है बचत करूंगी। ये क्या कर रही हो? चीजें समेट रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या चीज कम है क्या चीज कम नहीं है? क्यों, हमें नजर नहीं आता कि क्या चीज कम है और क्या चीज कम नहीं है? क्या चीज कम है? चलो तुम बताओ क्या चीज कम है। अरे क्या पूछ रहा हूं, क्या चीज कम है? अरे क्या चीज कम है? खुद जाके देख। मेरे सूट कहाँ है? वो सुबह तो यही थे, अगर नहीं है तो जाहिर है वो ले गए होंगे। सात सूट, दो ब्लेजर, एक स्पोर्ट्स जैकेट, नौ पतलून है, स्कार्फ, टाइज, सब कुछ। अगर इतने थे तो फिर इतने ही ले गए। शुक्र है मैं अपना थ्री पीस सूट नीचे लॉन्ड्री वालों के पास इस्त्री के लिए छोड़ आया था। वो लड़का आया था स्त्री वाला, वो सुबह ही दे गया। ओ, ओ हराम, खारो, चोरो, कुत्तो, लुटेरो, दानी, कुछ सूट ही तो थे, उनका इतना खब क्या करना? ये तो मैं खरीद लेना। कहां से खरीद लूं, पैसे कहां से आएंगे, मेरी नौकरी छूट गई। नहीं मुझे नौकरी से जवाब मिल गया, सिर्फ मुझे नहीं मेरे साथ और भी नौ एग्जीक्यूटिव्स को, हम सब साथ ही एलिवेटर से उतरे थे। दानी, आई एम सो सॉरी दानी, तुम पर क्या गुजरी होगी, उन्हें भी आज ही के दिन तुम्हें छुट्टी देनी थी। कमबख्त, एक तो नौकरी गई, घर आए तो चोर सारा कुछ लूट के ले गए। कितना मनहूस दिन था आज दानी, सो सॉरी। छुट्टी आज के दिन नहीं हुई है, छुट्टी तो पीर के दिन ही हो गई थी। पीर से? चार दिन से तुमने मुझे छुपाए रखी ये बात? समझ में नहीं आता था कि मैं तुमको किस तरह बताऊं, हिम्मत नहीं होती, सोचता था शायद कोई मोर्चा हो जाए, कहीं और नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन जब इंसान की उम्र 47 की हो जाती है तो फिर मौत से मुंह मोड़ लेते। दानी, मगर पीर से लेकर अब तक तुम मतलब क्या करते थे, वक्त कैसे गुजरता था तुम्हारा? सुबह घर से निकल के चंद लोगों को फोन करता था कि शायद कहीं कोई नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। सुबह घर से निकल के चंद लोगों को फोन करता था कि शायद कहीं कोई नौकरी का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन तुम्हें मालूम है जब इंसान का काम पड़ता है किसी से तो सुबह 10 बजे ही फोन पे जवाब मिलता है कि साहब लंच पे गए हुए, इसके बाद बिला मकसद आवारागर्दी करता था, कभी पार्क के बेंच पे जाके बैठ जाता था, कभी किसी लाइब्रेरी में जाके किताब खोल के बैठ जाता था, कभी
किसी आर्ट गैलरी में चला जाता, कभी किसी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन पे। तो दानी इस तरह वक्त गुजार लेता था। दानी तुम घर चले आते? घर आके क्या करता मैं? दानी मैं तुम्हारे वास्ते अच्छा सा लंच बना दिया करती। दानी मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता है। मैं मुझे कोई और नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, मुझे पता है। नहीं तुम्हें पता है, एक रोज बाप पार्क में बैठे बैठे मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया। क्या? मैंने सोचा कि इस शहर से हम कहीं दूर चले जाए। हाँ, और वहां जाके बहुत ही दूर किसी दूर दादा देहात में जाके कोई अपना छोटा सा लाइव स्टॉक फार्म बना ले। ओह दानी, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। ओह, शहर से दूर ना, ब्यूटीफुल लाइव स्टॉक फार्म। हाँ दानी, अभी चंद दिन पहले मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था। क्या? जिला खुशाब कोई जगह है, जिला खुशाब में कोई लाइव स्टॉक फार्म फॉर सेल है। Really? हाँ, मैं उसकी तुम्हें अखबार में से कटिंग लाके देती हूँ, ठीक है? तुम उस बैठो, उसको पढ़ो, सोचो, और मैं जब तक तुम्हारे वास्ते कॉफी बना के लाती हूँ। क्यों, कॉफी छोड़ दी उन्होंने? कॉफी नहीं ले गए, कॉफी से रख बदली होगी। दानी, चोर जो होते ना वो बावर्ची खाने में नहीं जाते। अरे तो पैसे भी बावर्ची खाने में ही छुपा देती हैं। मेरी जान, तो पैसों के बिल्कुल फिक्र मत करो। तो पता है मैंने कुछ जोड़ के रखे हुए, कुछ बात हम बहुत आराम से गुजारा कर सकते हैं। कब तक गुजारा करेंगे पानो? हर रोज का खर्च एक पैसे की आमदनी नहीं है। नहीं नहीं पानो, हमें हमें इस बकवास जिंदगी से निकलना पड़ेगा। ठीक है दानी, हम चले जाएंगे यहाँ से। ओहो, निकलने का मतलब इस घर से नहीं है, शहर से नहीं है, इस बकवास जिंदगी से निकल रहा है, ये झूठी इमारत से। जिमखाने की मेंबरशिप, फला क्लब की मेंबरशिप, फला क्लब की मेंबरशिप, ये हम हर महीने 8-10 हज़ार रुपए जो इन पर फूंकते हैं, इनका क्या फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं। ये तमाम ये सब इंटरनेशनल मैगजीन्स, दुनिया में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानने के लिए हम अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्यों फेंके? ये सब है, ये सब जिन्हें हम खरीद खरीद के हर माह अपने घर में जमा करते रहे, क्या फायदा है बताओ? कोई फायदा नहीं, मैं कह रही हूँ कोई फायदा। 10 रुपए का खाना जो आदमी घर बैठ के खा सकता है, हम जाके 50 रुपए का वही खाना रैपिंग में खरीद के किसी टेक अवे से लाते हैं। हमने घर में आसाइश की चीजें जमा कर रखी हैं जिनसे हमें कोई आसाइश नहीं मिलती, किताबें जमा कर रखी हैं जो हम पढ़ते ही नहीं, कैसेटों का जखीरा बना रखा है जो हम मुश्किल सुन सकते हैं, गिमिक्स, नॉवेल्टीज, ये सब बकवास, सब धोखा, सब फ्रेम। हाँ दानी, अब हम कुछ भी नहीं लाएंगे, हम कुछ नहीं खरीदेंगे, हम कुछ नहीं लाएंगे दानी, ठीक है? मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल इनकी झोली में डाल दिए और उन्होंने मुझे क्या दिया? 1 लाख रसीद करके पार कर दिया। अरे हमें तो उनको चाहिए था कि बहन बाजी के साथ रुखसत। तुम अपना जीना खराब करो प्लीज, तुम बीमार हो जाओगे दानी। अब तुम्हें पता है कि हमारे पास कौन सा म्यूजिक सुनने के लिए रह गया? वाह वाह, दीवार के उस पार, अब हमारे पास ये म्यूजिक सुनने को रह गया। 25 साल की मेहनत के बाद हमारे पास सुनने के लिए। दानी क्या हुआ, तुम्हारे दर्द हो रहा सीने में? हाँ, मेरा सीना दुख रहा है दानी।
अगर ये हार्ट अटैक नहीं है तुम्हें कैसे पता है कि ये हार्ट अटैक नहीं है? जब हार्ट अटैक नहीं है तो मैं क्या कहूँ? तुम्हारा सीना क्यों दुख रहा है? मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मेरा सीना इसलिए दुख रहा है कि मेरे दिमाग की नसें फट रही है और मेरे पास ट्रैंक्विलाइजर भी उन्होंने नहीं छोड़ी। बच्चे सो रहे हैं। तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरा तो सब कुछ लूट गया, हमारा सब कुछ लूट के ले गए, खाली कर गए घर को, सिर्फ एक स्लीपर और तहमत छोड़ गए। भैया बच्चे भी आराम हो रहे हैं, बकवास की जा रहा, तुम नशे में हो क्या? बच्चे भी आराम हो रहे हैं तो उनके मुंह पे तकिया डालो। तानी खुदा की प्लीज यहाँ आ जाओ, तुम भी बाहर बैठो। किसी की इज्जत नहीं है। अरे कौन सी इज्जत? किसकी इज्जत? कौन है किसकी इज्जत बाकी रह गई है? कौन है वो? ठीक है, मेरे मियाँ ने बुरा भला कहा तो ठीक, मैं उसकी माफी मांगती हूँ, मगर खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें जरूर समझेगा वो एक दिन। हाँ देख लेना तुम। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। ऐसा तो किसी के साथ तो पता नहीं। मैं तो ऐसा किसी के साथ इसलिए दानी कि तुम जो हो ना, तुम इन सबसे बहुत बुलंद हो, बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, तो इन जैसे हकीर तुमने, ये तो बहुत छोटे लोग, बहुत गिरे हुए लोग हैं दानी। देखो अगर तुम्हें नौकरी नहीं भी मिलती ना तो कोई बात नहीं दानी, मैं क्वालिफाइड सेक्रेटरी हूँ दानी, मुझे शॉर्ट हैंड आती है, टाइपिंग आती है, मैं कहीं भी जॉब कर लूंगी, मेरी हिम्मत है, सलाहियत है, मैं जॉब कर लूंगी तनी। तनी प्लीज तुम बीमार हो ना, क्योंकि अगर तुम बीमार हो गए और मुझे छोड़ के चले गए, ये जिंदगी, ये दुनिया मेरे लिए बेकार हो जाएगी, इसलिए मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना दानी। बानी मैं आ गई, तुम्हें तो बहुत सख्त भूख लगी होगी ना, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे वास्ते खाना अभी तैयार करके मेज पे लगा देती हूँ। देखो सालन मैं तैयार करके गई थी और रोटियां तो मैं साथ लेकर आई, सिर्फ 5 मिनट लगे, ठीक है? मैं तो दानी पूरे पौने एक बजे दफ्तर से निकल पड़ी थी, 15 मिनट तो लग गए मैं क्लाउड रोड, इतना रश होता है उस सड़क के ऊपर लंच ब्रेक में, तुम्हें क्या बता? और फिर बस का इंतजार, उफ तौबा। और हमारे बॉस जिलानी साहब ने कहा है कि भाई आपने पूरे 2 बजे वापस आना है, उफ तौबा।
वो तो दानी ये भी कह रहे थे कि आपको शायद वो जुमा और हफ्ता भी आपकी जरूरत पड़ी, तो कहा कि नहीं भाई ये जो जुमा और हफ्ता है ना ये मैं शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। ठीक है मतलब कुछ पैसे तो बन जाएंगे लेकिन मैं जुमा और हफ्ता में दानी देखो मैं अपना वहां नहीं खराब करूं। देखो ना दानी हम यूं भी कितनी देर इकट्ठे मिल बैठते हैं। दानी प्लीज तुम आके मेरे पास बैठो ना जब तक मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं वापस जाने में। डेस्क जॉब सिर्फ कहने का नाम है, सारा दिन तो इस कमरे से उस कमरे भागते गुजर जाते हैं। और आजकल काम का रश भी बहुत ज्यादा है। हाँ मैं तुम्हारे वास्ते जूस लेकर आई हूँ, ये देखो ये लो। उफ ठंड सी पड़ गई जाने। पता है सुबह से ये पहला घूंट है जो हलक से उतरा है, वरना तो चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती। उफ अल्लाह बहुत रश है काम का, उफ तो मैं तो थक जाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। ये शायद पिछले 20 साल से ये एनर्जी अंदर ही अंदर जमा हो रही थी। खैर एक दफा मैं बोलना शुरू कर दूंगा फिर तो मैं रुकने का नाम नहीं लेती। अब मैं नहीं बोलूंगी और तुम मुझसे बात करो, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? अच्छा मेरा ख्याल है तुम्हारा बात करने को दिल नहीं चाह। अच्छा छो ये बताओ कि तुमने आज सारा दिन क्या किया? चाय खत्मी। सच कहा? बेडरूम से यहां। बस फिर बेडरूम से यहां और फिर यहां से बेडरूम वापस। और सुनो सुनोगी? नहीं मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा बात करने को दिल नहीं चाह रहा तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं मेरा तो मूड है बात करने का। 3 मरतबा वहां बालकनी पर गया, वहां से ट्रैफिक को देखता रहा, फिर वहां से बेडरूम वापस आया और वहां रेडियो खोल के खबरें सुनता रहा। आज बड़ा मसरूफ दिन गुजरा है मेरा। दानी मुझे मुझे पता है कि तुम सारा दिन घर में अकेले रहते हो, बोर हो जाते हो। कल हम ऐसा करेंगे कि हम चिड़ियाघर चलेंगे और लंच साथ लेके जाएंगे। मैं चिड़ियाघर नहीं जाऊंगा, महीने भर से हर रोज वहां जाता रहा हूं। अब तो बंदर भी एक दूसरे को मुझे देखते ही क्यों नहीं मारते हैं कि वो लो आ गया। मैं तो इसलिए कह रही थी कि थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ी सी वर्जिश हो जाएगी। चलो खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ किसी का फोन आया था? तुम्हारी माँ का आया था, मैंने उनकी आवाज सुनते ही खट से बंद कर दिया। अच्छा और किसी का? मैं कोई आंसरिंग सर्विस नहीं हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाकायदगी के साथ फोन अटेंड करूं तो तुम बाकायदा मुझे उसकी तनख्वाह दो, मुझे तो काम की तलाश है। इसका मतलब है कि आज अखबार में कोई खास खबर नहीं थी। कौन सी खास खबर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें मालूम है मैं वांटेड कॉलम की बात कर रही हूं। हां वो एक प्राइवेट क्लिनिक का हेड आया था आज, उनको कुछ नर्सेस की जरूरत है। अब मेरी मुसीबत यह है कि मैं इस काम के लिए फिजिकली अनफिट हूं। तनी मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। मैं भी तुमको सिर्फ जवाब दे रहा हूं। तनी देखो मुझे पता है कि तुम बोर हो जाते हो लेकिन आज तुम इस कदर झुंझलाए भी क्यों? आज सिर्फ आज
और हफ्ते भर का कोई जिक्र नहीं कि जब मैं इस कमरे से उस कमरे में और उस कमरे से उस कमरे में अबाबिल की तरह चक्कर काटता रहा। इस घर में जितनी किताबें जितने रिसाले थे उन सब के सफ़े चाट चुका हूं। कल मेरा प्रोग्राम है कि इस घर में जितने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के मैनुअल्स हैं उन सबको पढ़ के खत्म कर दूं। इसके बाद मेरी जिंदगी में कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। दानी मैं समझती हूँ कि मैं घर से बाहर होती हूँ, दफ्तर में तुम बोर हो जाते हो, लेकिन तुम बताओ कि मैं क्या करूँ दानी, मैं क्या करूँ? मैं 47 साल का हूँ और तुम दफ्तर से आकर मुझे यहाँ लंच खिलाती। दानी इसलिए कि लंच तुम्हें खिलाना मुझे अच्छा लगता है दफ्तर से आके, इसलिए दानी। मैं तो किसी को यहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस सारी बिल्डिंग में एक मैं हूँ और चौथे फ्लोर पर एक माजूर बच्ची जिसे लंच खिलाने के लिए आते। मुझे बिल्डिंग वालों की परवाह नहीं है दानी। मुझे तो परवाह है, वो तो समझते होंगे कि मेरा हाथ मुंह भी तुम धुलाती होगी। तुम्हें मुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूं या फिर मैं कहीं बाहर जाकर खा सकता हूं। मैं तो इस ख्याल से कह रही थी कि थोड़ी सी बचत हो जाएगी और बस। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है घर की, तुम्हें सर खपाने की जरूरत नहीं है। दफ्तर में तुम्हारे अपने प्रॉब्लम्स होंगे, अब तुम्हारा घर से क्या ताल्लुक है? अब तो तुम दफ्तर की औरत हो, घर की औरत तो तुम नहीं हो। घर की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरा मामला है। मगर दानिश मेरी जॉब का हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है मैं नौकरी करूंगी। तो मैं बुरा तो नहीं मान रहा हूँ, तुमने तो मेरे इस बड़े कड़े वक्त में बड़ा साथ दिया है। तुमने घर का सारा खर्च संभाल रखा है, वरना मैं कहाँ से संभालता? फिर इतवार बाजार से मेरे लिए गिफ्ट्स लाती हो, कभी कुर्ते कभी शलवार, मैं कहाँ से लेता? दानी तुम चाहते हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? तुम जिस वक्त कहोगे मैं नौकरी छोड़ दूं। तुम समझती हो मुझे नौकरी की तलाश नहीं है, मैं तमाम दिन घर पे हाथ पे हाथ पे बैठा रहता हूँ, यही समझती हो? खुदा गवाह है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा दानी। मेरी उम्र के आदमी के लिए अब यहाँ काम नहीं है। ये देखो अखबार, ये देखो, मैंने सारा अखबार छान मारा, कहीं काम नहीं है। वैसे ये अखबार मैंने सामने वाले फ्लैट के दरवाजे के नीचे से खींच लाया, कैसा है? दानिश खुदा के लिए बस करो, अब हम इस मौजूद में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं साथ वाले फ्लैट से मुंह अंधेरे सुबह को दूध की पतीली भी उठा के ला सकता हूँ, कानों कान खबर नहीं होगी। हाँ खुदा के लिए बस करो, मुझ में हौसला नहीं रहा, मजाक बंद करो। अरे भाई मैं तो घर के खराजात में तुम्हारा हाथ बटाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ना आखिर कुछ मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दानी मैं तुम्हारा लंच लगा रही हूँ, तुमने खाना है तो प्लीज खा लेना, और मेरा वादा है कि मैं दफ्तर से लंच तुम्हारे वास्ते लगाने नहीं आऊंगी, ठीक है? तुम्हें जरूरत भी क्या है, तुम तो किसी अच्छे से चाइनीज में अपने बॉस जिलानी साहब के साथ मेज के नीचे जूतियां उतार के बड़ा उम्दा लंच खा सकती हो। मैं बड़ा उम्दा लंच अपने बॉस के साथ जूतियां उतार के किसी रेस्टोरेंट में नहीं करती। तो फिर अपने किसी यंग कलीग के साथ स्टेक खाती होगी। मुझे पता है कि इन दफ्तरों में क्या होता है, कभी मैं भी उनकी तरह यंग बॉय, लेकिन मैं यंग लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम शाम के 7 बजे घर की आती हो, जब सारे दफ्तर के काम 5 बजे बंद हो जाते हैं। मेरा काम 5 बजे के बाद शुरू होता है। हाँ जिमखाने के लॉन के किसी तारीख गोशे में दानिश बिलकरामी, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा है। I'm sorry, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब मैं 7 बजे घर लौटता था तो तुम्हें बड़ी आसानी से यकीन आ जाता था। दानी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी जिंदगी किसी सिनेमा स्क्रीन के ऊपर उल्टी चल रही हो, टोटली उल्टी चल रही। अरे शायद इसलिए मुझे काम नहीं मिलता कि मेरे पास
वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। अगर मेरे पास भी ये मस्कारा, ये लिपस्टिक, ये अटायर, ये आउटफिट होता तो मुझे भी मिनटों सेकंडों में नौकरी मिल सकती थी। मैं तुम्हारा खाना रख के जा रही हूँ, तुमने खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, ठीक है? बाबा टाटा, थैंक यू जानी। देखिए दफ्तर से जल्दी लौट आइएगा और प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। अरे हाँ सुनिए, घर के सौदे के लिए थोड़े से पैसे छोड़ जाइएगा। चेरियो, बाय बाय। दानिश, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। कैसा मशवरा? तुम या तो अपने आप को संभालो या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से मिलो जो तुम्हारे उलझनों को तुमसे बातें करके दूर कर सके। कैसे डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि मेरे अंदर अब हौसला नहीं रहा है मिस्टर दानिश बिलकरामी, एंड दैट इज इट। तुम समझती हो कि ये सब कुछ मेरे जहन की पैदावार है? तुम्हें कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम समझती हो कि ये बात इत्तेफाक की बात है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, या ये एक मुकद्दर की बात है? दानिश, ये सिर्फ वक्त की बात है, हम एक कठिन वक्त से गुजर रहे हैं और बस। बानो, मैं साजिश की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, एक बहुत गहरी चाल। साजिश? खुदाया, कैसी साजिश? कौन सी साजिश? कैसी चाल? कौन सी साजिश? मैं बता रहा हूं तुमको। इस मुल्क में एक बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है। किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। तुम्हारे खिलाफ? मेरी जात के खिलाफ नहीं, अगरचे मैं भी उसका एक निशाना हूं। वो स्टेटस क्यों को मिटा देना चाहते हैं, वो सिस्टम को बदल देना चाहती है। ये वो लोग हैं, वो मुझे अकेले के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, वो सबके पीछे पड़े हुए। तुम्हारी बहनों के पीछे, बेटियों के पीछे, अजीजों के पीछे, तमाम असातिज़ा के पीछे, स्कूलों के पीछे, तालीम के पीछे, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के पीछे, तहरीक निस्वा के पीछे। ये हैं जो इनका निशाना है। तुमने तो सभी के नाम गिनवा दिए, तो फिर बाकी कौन रह गए? बाबू, कुछ लोग बाकी रह गए हैं। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो फिर रह गए होंगे। मुझे पता है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। मेरे कान 24 घंटे खुले रहते हैं और तमाम इत्तलात आती मुझे इत्तलात। देखो यहाँ बैठो, सिर्फ एक मिनट के लिए यहाँ मेरे पास बैठो। देखो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, मुझे तुम पर कितना भरोसा है, और हमेशा से रहा है दानी, हमेशा रहा है। मैं तुमसे ना एक बात करना चाह रही हूँ, लेकिन उस बात का ना कोई गलत रंग में मत लेना उस बात। तुम समझती हो मैं पैरानॉइड हो गया हूं? नौकरी छूट जाने की वजह से मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है, ये समझती हो कि ये एक साजिश है? बानो, मैं तुमसे कह रहा हूं ये साजिश। कैसी साजिश? कौन है इस साजिश के पीछे? इंसानी नस्ल। ये इंसानी नस्ल है जो इसकी जिम्मेदार है। इंसान के जज्बों की जबूहाली, इंसान ने अपने आप को गिरा लिया है। वो हर लम्हा हर आन अपने आप को मिटाने पर तुला हुआ है। इंसानी नस्ल इसके किस बेरोजगार की जिम्मेदार है? क्यों, तुम्हें हैरत हो रही है? इसलिए कि मैं समझती थी कोई और है इसके पीछे, किसी और का हाथ है। अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम नहीं समझ सकोगी बानो, क्योंकि तुम इस कैफियत से गुजरी नहीं हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है जिस कैफियत से मैं गुजरा हूं। तुम इस कैफियत से नहीं गुजरी हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बालकनी में किसी ने ऊपर से पानी की भरी हुई बाल्टी नहीं फेंकी है।
मैं उसको भूला नहीं हूँ, मैं तुझे भूला नहीं हूँ और कभी नहीं, मैं तुझे भूला नहीं हूँ। खुदा के प्लीज देखो झगड़ा मत करो, प्लीज यहाँ बैठ जाओ, प्लीज दानी रिलैक्स, प्लीज दानी देखो झगड़ा मेरी बात गौर से सुनो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए हर कीमत पर, है ठीक है ना? पता क्या समझता है, मैं उसे भूल गया हूँ, मैं उसे भूला नहीं हूँ, समझता है मैं इनकी शक्ल नहीं पहचानूंगा, मैं इनकी शक्लें पहचानता हूँ, सब कमीनों की शक्लें एक सी होती है, और मैं तुझे भूला नहीं हूँ कमीने। दानी पता है क्या, मुझे किसी ने डॉक्टर के बारे में बताया, कहते हैं बहुत काबिल डॉक्टर है और जिस कैफियत से तुम इस वक्त गुजर रहे हो ना उसका वो पूरा तजर्बा रखता है, ठीक है मैं अभी उसका नंबर निकाल के लाती हूँ, अभी ढूंढती हूँ, और आज मैं लंच के बाद वापस दफ्तर नहीं जाऊँगी, ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम देगा मैं तुम्हें आज ही डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, ठीक है, मैं नंबर लेकर आती हूँ। बस मैं तो उसकी इंतजार में बैठा हुआ, मैं तो उसकी ताक में बैठा हुआ हूँ बानू, एक दफा मेरे हाथ आ जाए वो फिर तुम देखना सारा बदन छलनी हो जाए, अरे तेरी तो शनाख्त भी नहीं हो सकेगी। नहीं यहाँ क्या हो रहा है, इनका बस चले तुमसे तुम्हारे कपड़े तक गुजरवा लें, हाँ ये तुमसे एक एक चीज छीन ले मानो, तुम्हारा ट्रैंक्रोलाइजर, तुम्हारा टेलीविजन सेट, तुम्हारा वीसीआर, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारी नौकरी, एक एक चीज, एक चीज मानो नहीं छीन सकते, वो है ये सहनी असला, ये है तुम्हारा जहन जिसको नहीं छीन सकते, ये है मेरा खुफिया असला, मेरा जहन। हाँ डॉक्टर यजदानी जी मैं बोल रही जी, आई एम सॉरी मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ जी, नहीं आई एम सॉरी जी एक इमरजेंसी आ गई है जी, इट्स माय हस्बैंड जी, मैं क्या करूँ मेरे जी, प्लीज मुझे आपसे टाइम चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अपनी गाड़ी तक नहीं आ सकता क्योंकि मैं तेरे सामने से तेरी मौत मर करके मोटरसाइकिल पर बुलेट को स्प्रे करता हुआ निकल जाऊंगा। माफ़ कीजिएगा मैं ज़रा डॉक्टर से टेलीफोन पे बात कर रही थी, दानिश पे सभी आते ही होंगे। कैसी तबीयत है दानिश की, डॉक्टर क्या कहता है? जी भी कुछ वसूख से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दानिश बिल्कुल बुझ से गए हैं, उन्हें अपना बिल्कुल होश नहीं रहा है, घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे लाताल्लुक से हो गए। खैर अभी वो आएंगे तो आप मिल लीजिएगा, लेकिन पहले वाले दानिश वो बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल बदल से गए। तो ये नर्वस ब्रेकडाउन है क्या? अरे भाई हमसे क्या पर्दा, आफ्टर ऑल वी आर वन फैमिली, एक खानदान ही तो है। जी हाँ आप इसको नर्वस ब्रेकडाउन ही समझ लीजिए। तो डॉक्टर की तजवीज क्या है? वो कहता है कि मुकम्मल आराम और इलाज से दानिश ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। वक्त कितना वक्त लगेगा, महीना दो महीना या दो महीने से भी ज्यादा? जी महीना भी लग सकता है, दो महीने भी और दो साल भी लग सकते हैं। नहीं नहीं दो साल तो नहीं लगने चाहिए,
ऐसा है बानो के, अच्छा तुम बैठो। ऐसा है बानो के, दानिश की तरफ से हम सब, यानी मैं और हमारी तीनों बहनें, हम सब बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत ज्यादा। आखिर वो हमारा भाई है और हमें मालूम है कि तुम उसकी बीवी हो और तुमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा तुम उसके लिए जरूर करोगी, लेकिन शायद ये काफी ना हो। तो ऐसे आड़े वक्त में हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी मदद करें। हमने आपस में तय कर लिया है सब कुछ, और ट्रीटमेंट के जितने भी अखराजात हैं वो हम अदा करेंगे। तुम बेशक घर के अखराजात संभाल लो, लेकिन इलाज की तरफ से फिक्र ना करना, वो चाहे जितना भी हो, ख्वाह कितना हो, हम अदा करेंगे। ख्वाह कितना ही क्यों ना हो, आप यकीन कीजिए कि आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ढारस सी हुई है। मतलब नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे ख्याल में उसके इलाज पर खर्च कितना बढ़ जाएगा। देखिए, कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि जितना लंबा इलाज चलेगा उतनी ही लंबी रकम भी लगेगी। भाई, ये रकम का मसला तुम्हारा नहीं, हमारा है। देखिए, अब इसमें हो सकता है कि 2-4 लाख भी खर्च हो जाए। भाई, अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि खर्च कितना बैठता है। बहनों का जितना शेयर बनता है, वो जितना दे सकती हैं वो दे देंगी, बाकी की जितनी कमी है वो मैं अपने पास से पूरी कर दूंगा, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो या 10 लाख हो, व्हाटएवर। बस दानिश के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें मुहैया होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। I'm really touched. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको मतलब कैसे बताऊं कि मैं। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, हमारा तो ये फर्ज है, हमें पूरा करने दो। मैं जानती हूँ कि पिछले कई सालों से हमें मिलने मिलाने का ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन अंदाजा है मुझे इस बात का। पिछले 9 साल से, आज पूरे 9 साल के बाद हम इस तरह से इकट्ठे बैठे हैं। इतने साल हो गए, शायद इसमें मेरी गलती हो कि मैंने आप लोगों को समझने की कोशिश ना की, या फिर शायद आप लोगों की गलती हो कि आप लोगों ने मुझे ना समझा। लेकिन आप लोगों ने जितना हमारे लिए महसूस किया है, उसके लिए मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत इज्जत है। लेकिन आप सच जानिए कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। देखिए, हमने पिछले कुछ सालों में कुछ जोड़ जमा कर रखा है, और फिर मेरी जॉब है, मेरे जेवरात हैं जो मैं बेच सकती हूँ। ना ना, तुम्हें जेवरात बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर दानिश की अपनी बीमा पॉलिसी है जो वो कैश करवा सकते हैं। अगर आप लोग कुछ, मेरा मतलब है, करना ही चाहते हैं तो इसके और भी तरीके हैं। मैं दरअसल दानिश के मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद हूं, मुझे बहुत फिक्र है उसके बारे में। हम सबको है बानो, किसको नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दानिश यहां से दूर, मेरा मतलब है कि शहर से दूर, किसी दूर दराज देहात में जाकर कोई अपना सिलसिला वगैरह शुरू कर ले, तो वहां पर ज्यादा सुकून और इत्मीनान नहीं होगा क्या? हाँ, why not? यकीनन होगा, यकीनन।
हमने दरअसल एक लाइव स्टॉक फार्म की स्कीम सोची थी। दैट्स वेरी गुड, इट्स एन एक्सेलेंट आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इत्तेफाक से एक लाइव स्टॉक फार्म जिला खुशाब में काबिल फरोख्त भी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगर वो फार्म हम लोग खरीद लेते हैं तो अगली सर्दियों में वहां चले जाएंगे। वंडरफुल, बहुत अच्छा ख्याल है ये। उस फार्म के लिए वो लोग 25 लाख कैश मांगते हैं। अगर आप वो रकम में बतौर कर्ज लाइव स्टॉक फार्म के लिए दे दें, क्योंकि लास्ट के लिए तो मेरे पास पैसे हैं, तो आप वो रकम जो हमें कर्ज देंगे तो आमदनी जो होगी लाइव स्टॉक फार्म से, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो आपको कर्जा जो है वो लौटाते रहेंगे। लाइव स्टॉक फार्म 25 लाख रुपए, और उसे चलाएगा कौन? एक नर्वस ब्रेकडाउन का मरीज? मैं तो समझी थी आप उसकी मदद करना चाहते हैं दानी की। आप उसको इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं, क्या फार्म के लिए नहीं दे सकते? देंगे, जरूर करेंगे उसकी मदद, लेकिन जब वो बीमार नहीं होगा, तब जब वो तंदुरुस्त होगा हम जरूर करेंगे। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप इलाज के लिए पैसे दे दीजिए, मैं अपना जमा जत्था जो फार्म पे लगा दूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि हम दानिश का इलाज करवा के उसको सेहतमंद बनाएं, और आप अपना पैसा लगाकर फार्म में नुकसान कर दें, और एक दफा से फिर दानिश बीमार पड़ जाए और तुम दौड़ी हुई आओ हमारे पास के एक डॉक्टर की और जरूरत है। अगर आप उसके इलाज के लिए पैसे देने को तैयार थे तो फार्म के लिए आप नहीं दे सकते। तो चलिए, खैर, भूल जाइए ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं हैरान बहुत हूं इस बात पर कि आपने हामी भर कैसे ली। खैर, वैसे मुझे खुशी इस बात की है कि जब दानी दोबारा सेहतियाब होकर वापस आएंगे तो आप हमें मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त हमें आपकी बहुत मोहताजी होगी। माफी चाहती हूं, मुझे दफ्तर वापस जाना है। एक्सक्यूज मी, अगर आइंदा 9 साल तक दोबारा हमारी मुलाकात ना हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। हेल्प योरसेल्फ। खुदा हाफिज। ऐसी हालत में वो शख्स लाइव स्टॉक फार्म चलाएगा। अभी जुमेरात को मैंने उससे टेलीफोन पे बात करने की कोशिश की तो उसके मुंह से ठीक तरह से हेलो नहीं निकल रहा था। लाइव स्टॉक फार्म 25 लाख रुपए। तो दानिश के साथ ही बात होगी, उसके साथ में कुछ तो अक्ल की बात कर सकता हूं, उसे तो सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन इस औरत के साथ क्या अक्ल की बात की जा सकती है, ये तो पागल है। Thank you.
वॉक का मजा आ गया। हेलो हेलो दानिश, यहां से कोठारी फ्रेज, वहां से कसीनो, प्ले लैंड और पूरा चक्कर लगा के को मालूम नहीं होना चाहिए। उसने बहुत दूर जाने से मुझे मना किया है। दानिश दानिश, तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? आरिफ, मैं अपने सगे भाई को नहीं पहचानूंगा। कैसी बात करते हो है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं यहां बैठ जाऊं? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। आरिफ को कोई बुरी खबर तो नहीं? क्या किसी को खानदान में हो गया? नहीं नहीं नहीं, सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम बैठो, तुम बैठ जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है दानिश। बोलो बोलो। वो दानिश, क्या बात यह है कि खैर कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही मिलने को जी कर रहा था, मैं आ गया। अच्छा किया अच्छा किया। मगर तुम ये बीमार बीमार से क्यों लगते हो? इतनी मेहनत मत क्या नहीं करो, पैसों की खातिर तुम बहुत मेहनत करते हो, ऐसा मत किया करो। पैसा तो इंसान को बदशक्ल बना देता है। तुम्हारी शक्ल पैसों की तरह बदसूरत होती जा रही है। नो 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 नो, ऐसा मत किया करो आरिफ। तुम ठीक कहते हो। तुम्हें पता है आरिफ, मैंने डॉक्टर से तीन बातें सीखी हैं। एक, दिमाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, किसी चीज को दिल का आजार मत बनाओ, और बालकनी पे जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी है। हेलो, देखिए मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ 16A फ्लैट से। यहाँ पानी नहीं है, एक बूंद पानी की नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ, सुपरवाइजर कहाँ है? बिल्डिंग सुपरवाइजर की बात कर रही हूँ। तो अगर वो पाइप की मरम्मत कर रहा है तो उसको बिल्डिंग में होना चाहिए। जी नहीं, मैंने लिफ्ट में कोई नोटिस नहीं पढ़ा है। हाँ, किचन में लाइट भी नहीं है। जी नहीं, सिर्फ किचन में नहीं है। क्या
आपका मतलब है कि मैं 9 बजे तक या 10 बजे तक इंतजार में बैठी रहूं? कमाल करती हैं, सारा खाना फ्रिज में पड़ा खराब हो रहा है, आप कहती हैं कि मैं इंतजार में बैठी रहूं? देखिए, आपके शौहर जहां भी हैं उनको फौरन बुलाइए और यहां भेजिए उनको, यहां जी हां 16A में फौरन भेजिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। घर में पानी नहीं है, पाइप ठीक हो रहा है, पता नहीं 7 बजे 9 बजे। और हाँ, किचन में मत जाना, वहां लाइट नहीं है, फ्रिज बंद पड़ा है। मैं अब उस बदबख्त डॉक्टर के पास आगे नहीं जा रहा हूं, एक नंबर का चोर है। तमाम वक्त बैठ करके टोबैको पाइप साफ करता रहता है, जब उससे बोर हो जाता है तो फिर मुझसे पूछता है मिस्टर दानिश टाइम क्या हुआ है? टाइम बताता तो कहता है आपका टाइम खत्म हो गया, जाइए नेक्स्ट वीक प्लीज। मैं तुमसे सच कह रहा हूं बानू, अगर मुझे जरा बहुत फर्क पड़ा है मेरी अपनी कोशिशों से पड़ा, वो तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, घंटे भर के 1000 रुपए ऐंठ लेता है। तुम इसलिए सारा सारा दिन अपनी जान खपाती हो कि उसकी फीस भरो? लानत, जिस तेजी से ये तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं अगर बिल्कुल ठीक हो गया तो तुमसे 5 साल बड़ा लगने की बजाय तुमसे 5 साल छोटा रहूं। हाँ, तो मेरी फिक्र मत करो, जहां मैं काम कर रही थी वहां मेरे वास्ते काम बाकी नहीं रहा है। क्या छुट्टी होगी तुम्हारी? जब वो खुद नहीं रहे तो वो मुझे क्या रखें? कंपनी दिवालिया होगी, कारोबार बहुत बहुत ज्यादा फैला लिया था उन्होंने अपना, एक पार्टनर को तो शायद जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। ओहो, कोई कंपनी एक दिन में तो दिवालिया नहीं हो जाती ना, तुम्हें पहले से कुछ तो खबर होगी कि ऐसा होने वाला है। मुझे कोई खबर नहीं थी, अगर थी भी तो मैं डर से सोचना नहीं चाहती थी। दानी, ये सब क्या हो रहा है दानी? क्या सारी दुनिया से रोजगार उठ रहा है? कोई बात नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। मुझे अपने मुल्क पे बहुत मान था दानी, मैं समझती थी कि अपना मुल्क है तो सब कुछ है, जब अपने मुल्क पे भरोसा ना हो तो फिर किस पर होगा? अपने ऊपर बानू, अपने ऊपर, हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा शहर एकदम सुकड़ के यूं रह जाएगा, यहां से कारोबार उठ जाएगा। बानू, तुम्हारी सिर्फ नौकरी गई है, खुदा ना खास्ता जिंदगी तो नहीं चली गई है? पता है दानिश, आज जब मैं घर आ रही थी ना तो मेरे सहन में सिर्फ एक ख्याल था कि जब मैं घर वापस आऊंगी ना तो मैं खूब जी भर के नहाऊंगी, खूब अच्छी तरह गर्म पानी से मैं नहाऊंगी। जब मैं घर आई तो पता चला कि नौकरी तो चली गई, साथ पानी भी चला गया। आ जाएगा ना पानी, पानी भी हमेशा के लिए तो नहीं चला गया है ना? दानिश, मुझे कहो, मुझे जाके कहो कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे। बानो बानो, पानी बंद है ना, अब देखो ये मेरे अख्तियार की बात तो नहीं है ना। जाओ, जाके हथौड़ों से पाइप को पीटो, जाओ और जाके कहो कि ऊपर एक लावारिस लाश एक आखिरी गुसल चाहती है, जाओ जाके मुझे कहो। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। बानो, अकल से काम लो, अकल से काम लो बानो, कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने पर उस दिन मैंने दीवार पीटी थी मैंने दीवार, तुम मेरे कहने पर पाइप नहीं पीट सकते? जाओ, जाके पाइप को पीटो, जाओ। प्लीज बानो, खुदा के लिए समझा करो बात को, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं है? कोई बात नहीं है, ये तुम क्या क्यों कह रहे हो कि कोई बात नहीं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो?
خواہش ہے. آئی ایم سوری, پلیز مجھے معاف کر دو. کوئی بات بیٹھو, کوسا پھونک دو. پتہ ہے کیا دانش, اب مجھے پتا نہیں ہوتا میں کیا کہہ چاہتی ہوں. میری ہمت جواب دے رہی ہے. آج بس میں کنڈکٹر کو جب پیسے کھولنے کے لیے میں نے اپنا بٹوا اٹھایا, مجھے بٹوا نہیں کھولا تو بھلا اس بچے کا اس نے آگے بٹوا کھول دیا. نہیں نہیں بانو, نہیں نہیں جان, ایسے نہیں کرتے. ہاں ایسے نہیں کرتے جان میری, تمہیں بڑی ہمت ہے. نہیں میرے اندر اب صرف غصہ رہ گیا ہے, ہمت نہیں رہی, صرف غصہ رہ گیا. جاؤ سنو, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے کون سنبھالے گا؟ میں نے ہمیشہ تمہارا خیال نہیں کیا, اسی بات کر رہی ہوں. تو پھر ہمارا خیال کون کرے گا دانی؟ میں کروں گا بانو, میں کروں گا. کیوں, ارے تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں رہا دانی؟ ہاں ایسا کرو کہ یہ شہر جو ہے نا اسے چھوڑ دو, یہ ہم یہاں نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, تم جہاں کہو گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی, میں گزارا کر لوں گی, میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی. ٹھیک ہے, مجھے یہاں نہیں رہنا. ہاں کچھ نہیں مانگوں گی, بس ایک یا دو بار مجھے نا بس پانی چاہیے ہوگا نہانے کے لیے, پلیز. بالکل ٹھیک ہے دان, بالکل ٹھیک ہے, ہم یہاں نہیں رہیں گے میری جان, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. بالکل بالکل ہم یہاں نہیں رہیں گے. یہ بدبخت سپروائزر ہوگا, یہ سپروائزر. میں بات کرتا ہوں, تم ایسا کرو کہ تم جا کر کے بستر پر لیٹ جاؤ, تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا بانو. میں اس سے بات کر لیتا ہوں, جب پانی آئے گا نا تم نہا لینا, پانی آ جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے ایسے تمہیں چھڑک دیا, پلیز مجھے معاف کر. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, چلو میں اس سے بات کرتا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم کراچی آئے ہو. ہاں میں کچھ کام تھے مجھے یہاں. بیٹھو, تم سے بھی کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. تمہاری طبیعت کیسی ہے, تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک. بانو نہیں ہے گھر پر؟ وہ ذرا آرام کر رہی ہے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں جانتا ہوں وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. نہیں عارف, یہ بات نہیں ہے, تھک گئی ہے, وہ دفتر سے آ کے لیٹ گئی. ارے چھوڑو, وہ عورت مجھے پسند نہیں کرتی, نہ صحیح. یہ کوئی ضروری ہے کہ سب ہی پسند کریں؟ ہاں البتہ تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے. بہرحال مجھے زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا یہاں,
لو، یہ تمہارے اور بانو کے لیے ایک حقیر سا تحفہ لایا ہوں. یہ کیا؟ یہ چیک. اب تم بڑے شوق سے لائف اسٹاک فارم جا کر خرید سکتے ہو. یہ تو 25 لاکھ روپے کا چیک ہے. اس میں میرا اور تینوں بہنوں کا برابر کا حصہ ہے. میں کل فون کر کے انہیں بتا دوں گا کہ رقم پہنچ گئی. میں کچھ سمجھا نہیں. سمجھا تو خیر میں خود بھی نہیں ہوں کہ ایک لائف اسٹاک فارم خریدنے کی تک کیا ہو سکتی ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی یہی ہے تو چلو ہماری بھی خوشی یہی ٹھہری. عارف، بانو نے یہ پیسے تم سے کب مانگے؟ کیا فرق پڑتا ہے بھائی، بات ختم ہو گئی. ہم سب تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، سو ہم نے کر دیا. اب ہمارا دل مطمئن ہے. دیکھو عارف، نمبر ایک، تمہارا بہت شکریہ. نمبر دو، مجھے یہ نہیں چاہیے. اب تم بیکار کو مت الجھو مجھ سے اس طرح. پورا 1.5 مہینہ صرف ہوا ہے میرا اس کا فیصلہ کرنے میں. عارف، میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ میں یہ رقم نہیں دے سکتا. نفع. دیکھو دانش، اگر میں تمہیں کوئی خوشی دے سکتا ہوں تو تم مجھ سے یہ حق کیوں چھین رہے ہو؟ تم نے مجھے خوشی دے دی عارف. جب تم نے مجھے یہ چیک دیا، مجھے خوشی مل گئی. اب اگر تم اس چیک کو پھاڑ کے میرے سامنے یہاں پر پھینک دو تو تم مجھے زیادہ خوشی دو گے. اگر کسی کو آس پاس پتا چل بھی جائے کہ تم اتنی بھاری رقم کا چیک لے کے پھر رہے ہو جیب میں، تم یہاں سے اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ سکو گے، اغوا ہو جاؤ گے. یس، تم باقی بہنوں کو تو کبھی نا کرتے ہی نہیں ہو. ایک مجھ سے تمہیں چڑ کیوں ہے؟ ایک میں ہی سارے خاندان میں کالی بھیڑ کیوں ہوں؟ ان میں اور تم میں فرق ہے. وہ 3 مالدار بیوہ عورتیں ہیں. وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ کر کے صدقہ واری ہو کے خوش ہو جاتی ہوں. میں تو 13 سال کی عمر سے ہی روزگار کی تلاش میں نکل گیا تھا. میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں سب کا چہیتا لاڈلا بن سکوں. اگر تم سب کے چہیتے اور لاڈلے بننا چاہتے ہو تو عارف، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تم کہو تو میں تینوں بہنوں کو بلا کے ان کے سامنے کہہ دوں کہ بھائی، آج سے خاندان کا چہیتا اور لاڈلا میں نہیں ہوں، آج سے خاندان کا چہیتا اور لاڈلا عارف ہے. بس خوش ہو. مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے بھائی، یہ تو ایک فطری بات ہے. جو بھائی گھر میں زیادہ ہوتا ہے وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے، جو گھر میں نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. دیکھو عارف، اسے اب بد اخلاقی نہ سمجھنا، لیکن بات سنو، بانو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھر میں پانی بالکل بند ہے، کچن میں لائٹ بھی نہیں ہے، سارا فریج میں جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ سب خراب ہو رہا ہے. بھائی میرے، میرے پاس اس وقت اس بات میں پڑنے کا وقت نہیں ہے کہ تم خاندان کے لاڈلے کیوں نہیں ہو. سمجھ رہے؟ تم نے کبھی عزرا کے گھر فیملی البم دیکھا؟ اس میں میرے بچپن کی ایک تصویر نہیں ملے گی تمہیں. میں تمام فریم سے آؤٹ ہوں. I'm out of each and every frame. اور تمہاری
तुम्हारी कुछ नहीं तो दर्जनों के हिसाब से तस्वीरें लगी हुई हैं वहां। कभी तुम प्राइस सिकल पे हो, कभी तुम हजाम की कुर्सी पे बैठे हो, ताकि तुम्हें अंगूठा चूसते हुए भी दिखाया गया है। हाय हाय हाय, ये तो तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है आरिफ। हाय 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 हाय, बड़ी ज्यादती हुई। लेकिन तुम अगर चाहो तो इसका अजाला अभी भी हो सकता है, मैं कर सकता हूं। कैसे? आओ और करीब आओ। अब मैं कानों की लवों को होठों में दबा के दांतों से कतरना शुरू करूं तो कैसा रहेगा? खबरदार, खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया। कम ऑन बेबी, ट्राई, ट्राई बेबी, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम बिल्कुल ट्राई, 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 आई विल गिव यू माय लव, ट्राई, यू आई विल गिव यू माय लव। काम काम काम, तुम्हारा डॉक्टर कुछ भी कहता रहे तुम में जरा भर भर नहीं आए। काम काम, मैं से पागल, आओ, यू आर अ मैडमैन। काम ऑन बेबी, आओ। बानो, बानो, क्या बात है दानी? खैर तो है? तुमने आरिफ से पैसे मांगे थे लाइव स्टॉक फार्म खरीदने के लिए? 25 लाख रुपए तुमने आरिफ से मांगे थे? मैंने कोई नहीं मांगे थे, उन्होंने खुद कहा था कि वो तुम्हारे इलाज के लिए देना चाहते हैं। मैंने कहा इलाज के वास्ते मेरे पास पैसे हैं, अगर देना ही चाहते हैं तो लाइव स्टॉक फार्म के लिए दे दे। अरे तुम्हें पता नहीं कि अपने घर वालों से पैसे मांगना कितनी गिरी हुई बात है? तुमने मुझे जलील किया। पैसे तो मैंने मांगे थे, तुम कैसे जलील हो गए? जलील तो मैं हुई ना, तुम तो आराम से किसी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। मैं आराम से पार्क में चहलकदमी नहीं कर रहा था, मैं तो गोलियों के खुमार में था। मैं नहीं था जो चहलकदमी कर रहा था, वो गोलियों का खुमार था, मैं तो शर था। मुझे क्या परवाह कि तुम क्या थे, आइंदा तुम जलील होना और मैं शर रहूंगी। क्या? अरे अरे, तुम्हें पता तुम किससे बात कर रही हो? अरे तुम एक ऐसे आदमी से बात कर रही हो जिसको अभी नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अरे तुमको एक बीमार आदमी का भी ख्याल नहीं रहा। इस वक्त तुम बीमार तो नहीं लग रहे हो, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे हमेशा तुम लगते थे। अरे इस वक्त की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं गोलियों के असर में था। काश दानी इस वक्त भी तुम गोलियों के असर में, तुम्हारी ये चीखे तो नहीं मुझे सुननी पड़ती। तुमने बावलो कब किसको कहा है? तुमको तुम्हारे बाप ने सुना तो कहा। अरे तेरा मियां मेरे मियां के आगे बेचता क्या है, बदजुबान औरत। हाँ हम वो पानी भूले नहीं है, हमें याद है वो पानी। तेरा मियां घर आने वाला है, अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो वो एक गुसल और देगा तुम्हें। अरे किस चीज से गुसल देगा? क्या पानी जुड़ता है? गुसल देगा बदजुबान औरत। क्या है? बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात है। बानो पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करते, शाबाश, बुरी बात है। चल जाओ बैठो। माफ करना जी, वो प्लीज आप मेरी बीवी की बातों का प्लीज बुरा ना बनाए। हम तो आपस में कुछ बातें कर रहे थे यहाँ अपने घर में, तो आप उसका बुरा तो ना बनाए ना, प्लीज प्लीज आई बेग यू।
पानी, इनको पानी कहां से मिल गया? इनके पास हमेशा पानी होता है, ये पानी को जमा करके रखते हैं हम जैसे ऊपर फेंकने के लिए। दानी, तुम्हें तो बहुत फर्क आ गया है दानी, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था, बस ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई हो, अब उतर गई है वो। तुम ठीक कहते हो दानी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, तुमने वाकई इस तजर्बे से गुजर कर बहुत कुछ सीख लिया है, तुम तो बहुत बुलंद हो दानी, तुम इन जैसे छोटे लोग कभी नहीं हो, ये तो बहुत हकीर लोग हैं, तुम तो बहुत बुलंद हो, मुझे तुम पर बहुत नाज है दानी, बहुत नाज है। दानी, पानी आ गया, पानी आ गया दानी, ओह, अब मैं जी भर के नहाऊंगी, जी भर के नहाऊंगी दानी। देखा दानी, पानी आया तो लाइट चली गई, तुम वहीं बैठे रहना, मोमबत्ती ला रही, हटना मत वहां से, अंधेरा ही, गिर जाओगे नहीं तो। अच्छा, मैं मोमबत्ती तलाश कर रही हूं अभी। लो, मिल गई मोमबत्ती। दानिश, दानी, दानी, दानिश, you killed him.